नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर है क्रम आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा चैप्टर था जैसे कल हम देख ही रहे थे ना रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा तो वहाँ से हमारे हमने 58 क्वेश्चन देख रखे थे अब फिफ्टी नाइन से हम वन हंड्रेड फिफ्टीन तक देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिला था हर शिफ्ट की बात करता हूँ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था आज मैंने आपके सारे के सारे जितने प्रवेश के, पे के पेपर हैं उनको हिंदी को बहुत ही अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया वहाँ से मैंने देखा कि आपके एग्जाम में दो से चार क्वेश्चन पूछे गए थे तो एक तो आपका आज ये कौन से में था एक पतन देख रखा था क्या पतन था एक पतन का अर्थ बताइएगा है ना तो इसी प्रकार से यहाँ से बनते हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो गिरने का अर्थ तो क्या होता है पतन होता है कि पेड़ का पेड़ से गिरते हैं मतलब पेड़ से गिरते हैं कभी आपको तो देगा पतन होगा कहीं कुछ बढ़ देगा है ना तो इस प्रकार से पार्ट चौ पाँच बट दे देगातन दे देगा एक साइड में कुछ दे देगा लग देगा तो वहाँ पर क्या भरना होता है पतन भरना होता है वो तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से क्वेश्चन वह पूछा गया था है ना यहीं से इसी चैप्टर से वह क्वेश्चन पूछा गया था और इसी चैप्टर से वह क्वेश्चन उठाया गया था अगर आप बुक में उठा के देखेगा तो पतन का यहाँ पर एक आज सीरीज़ दे रखी है लूसेंट में वहाँ पर दे रखा है ठीक है आप वहाँ से देख सकते हैं जाके तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इससे चलते हैं आगे बढ़ाते हैं ठीक है थीके? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट आंसर दीजिएगा अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है क्या तैयार किया जा रहा है आंसर दीजिएगा फटाफट अगर से फास्टली बढ़ोगेगा अगर से फास्टली भी बढ़ोगे तभी आपका आंसर आ सकता है जैसे अगली पंचवर्षीय योजना का रूप तैयार किया जा रहा है प्रारूप तैयार किया जा रहा है कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है रूपरेखा तैयार की जा रही है ऐसा कुछ नहीं रूपरेखा रूपरेखा तो कार्य तो पंचवर्षीय तो योजना की रूपरेखा तैयार नहीं की जाती है उसका प्रारूप तैयार किया जाता है उसका क्या कहता है उसका प्रारूप तैयार किया जाता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट होगा ठीक है अगले बढ़ते हैं फिर प्रारूप तैयार किया जाता है है ना रूपरेखा तैयार नहीं की जाती है याद रखना अगले बढ़ते हैं विदूषक को देख कर विदूषक को देखकर दर्शक ने किया क्या किया में बताना है यहाँ पर ने किया है ना क्या किया बताइएगा फटाफट विदूषक एक होती है विदुषी और, और एक होता है विदूषक ध्यान रखना एक होती है विदुषी और एक होता है विदूषक तो विदूषक को देखकर क्या करेगा आपको बताना है दस सेकेंड आपके पास हैं टाइम समाप्त तो हो चुका है जैसे परिहास की बात करेंगे तो विदुषी विदुषी को देख कर, दर्शकों ने परिहास किया हम कर सकते थे विदुषी को देखकर मगर वो कह रहा है विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया अट्ट किया होगा क्या किया होगा अट्ट किया होगा तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है यहां पर राइट होगा ठीक है अगले बढ़ते हैं अट्टहास किया होगा अगले बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर देते हुए कह रहा है प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में डैश पैदा कर दिया क्या पैदा कर दिया कर दी ध्यान रखना कर दी दस सेकेंड आपके पास है फटाफट इसका आंसर ढूंढेगा अर्थ निकालिएगा उसका आंसर दीजिएगा बिल्कुल टाइम समाप्त हो चुका है प्रेमचंद ने अपनी कहानी द्वारा साहित्य में अब आप, आप साहित्य के अंदर चला जाओ है ना अगर आपको साहित्य में कंफर्म नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या भरना चाहिए तो आप साहित्य में चले जाओ साहित्य में हमारी क्या हुई है साहित्य पढ़ोगे तो आपको लड़ाई मिलेंगी क्रांति मिलेंगी है ना तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा क्रांति राइट हो जाएगा इस प्रकार से साहित्य में चला जाना साहित्य में चले जाना आराम से आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अगले बढ़ते हैं सिक्सटी टू अतिशय अतिशय का मतलब क्या होता है अतिशय का मतलब होता है बहुत अधिक है ना अतिशय डैश के क्षणों से क्षणों में आंसू अनायात टपक पड़ते हैं अनायात मतलब क्या होता है खुद ब खुद टपक पड़ते हैं अतिशय बहुत अधिक रहस्य के कारण हर्ष के क्षणों उत्कर्ष संघर्ष बताइए सब इंस्पेक्टर दो हज़ार एक में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अतिशय अति मतलब बहुत अधिक हर्ष के कारण बहुत अधिक हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर राइट होगा खुद बा खुद टपक पड़ते हैं है ना हम उन्हें टपकाते नहीं हैं अपना मन हम द्रवित नहीं करते हैं मगर फिर भी टपक पड़ते हैं अगले बढ़ते हैं यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए डैश तो करने ही पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे बताइएगा यदि हमें आगे बढ़ना है तो इसके लिए डैश तो करने पड़ेंगे चक्कर करने पड़ेंगे कार्य करने पड़ेंगे अनुभव करने पड़ेंगे प्रयास करने पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे प्रयास करने पड़ेंगे ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट होने वाला है अगले बढ़ते हैं सिक्सटी फोर बंदूक एक उपयोगी है बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई अच्छा क्वेश्चन है बंदूक एक उपयोगी है क्या है अस्त्र है शस्त्र है बताइएगा दस सेकेंड आपके पास हैं टाइम समाप्त तो हो चुका है अब बंदूक एक उपयोगी क्या होती है बंदूक हाथ से चलाई जाती है या फिर फेंक कर चलाई जाती है तो आप कहोगे कि बंदूक हाथ से चलाई जाती है तो इसे शस्त्र कहा जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर राइट होगा अगले बढ़ते हैं सिक्सटी फाइव मोहन ने डैश से देशभक्त का संकल्प लिया सॉरी संकल्प किया मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प किया बताइएगा फटाफट उत्सुकता नो उत्सुकता से देशभक्ति का संकल्प किया अरे उत्सुकता से कैसे करेगा यार भाई उत्सुकता नो नो उत्सुकता से नहीं करेगा है ना तत्परता तो प्रयत्न से करेगा दृढ़ता से करेगा क्या करेगा दृढ़ता संकल्प लेकर करेगा है ना दृढ़ संकल्प लेकर करेगा देशभक्ति का संकल्प किया मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प किया उत्सुकता से देशभक्ति का संकल्प नहीं कर सकता उत्सुक होकर मतलब जोश में आकर करेगा नहीं यार वो दृढ़ता से करेगा कैसे करेगा दृढ़ता से करेगा क्योंकि उसकी देश की बात हो रही है यहाँ पर तो दृढ़ता से करेगा याद रखना ठीक है अच्छा क्वेश्चन है कन्फ्यूज आप हो सकते हो है ना अगले बढ़ते हैं उत्सुकता मतलब होती है एक मन की उत्सुकता मगर जहाँ पर दृढ़ता होती है वहाँ पर दृढ़ संकल्प होता है ठीक है अगले बढ़ते हैं वृद्ध भिकारी दो रोटी खाकर डैस हो गया दो रोटी खाकर क्या हुआ होगा संतुष्ट हुआ होगा ये तो कह सकते हैं ना संतुष्ट हुआ होगा पेट उसका भर गया होगा बिल्कुल दस सेकंड आपके पास हैं, फटाफट आंसर देते हुए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है टाइम समाप्त तो हो चुका है देखो वृद्ध भिकारी दो रोटी खाकर क्या हो गया संतुष्ट हो गया अब संतुष्ट जब हो गया तो इसका मतलब तृप्त हो गया क्या हो गया वो तृप्त हो गया संतुष्ट का अर्थ क्या होता है तृप्त होता है तो अब तृप्त का पूछ सकता है जैसे आपका पतन का पूछ रखा था आपके एग्जाम में तो वह तृप्त का पूछ सकता है कि तृप्त का अर्थ बताइएगा तो आपको याद रखना है तृप्त का अर्थ क्या होता है संतुष्ट होना होता है क्या होना होता है संतुष्ट होना होता है याद रखना इसे है ना याद रखना इसे अगले बढ़ते हैं फिर अच्छा क्वेश्चन ये देखिएगा ये देखिएगा है ना अगले बढ़ते हैं रबी सदा दमन के प्रति सॉरी मदन के प्रति रबी सदा मदन के प्रति डैश रहेगा क्या रहेगा ये भी अच्छा क्वेश्चन रबी सदा मदन के प्रति और जो रबी है वो मदन के प्रति डैश रहेगा क्या रहेगा कृपा रहेगा अरे कृपा की जाती है रहता नहीं है है ना अगले बढ़ते हैं कृतज्ञ रहेगा उपकृत रहेगा या कर्मठ रहेगा अब बताइएगा कर्मठ कर्मठ मतलब क्या होता है ईमानदार होता है ना कर्मठ मतलब क्या होता है ईमानदार होता है ईमानदार रहेगा रबी सदा मदन के प्रति ईमानदार रहेगा कर्मठ रहेगा नो no यार ईमानदार की बात ही कहाँ हो रही है यहाँ पर मदन के प्रति रहेगा ईमानदार थोड़ी रहेगा अब अगले बढ़िएगा उपकृत रहेगा या फिर कृतज्ञ रहेगा अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना थोड़ा शोर शराबा हो रहा है उसकी कोई टेंशन मत ठीक है आंसर दीजिएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा कृतज्ञ अर्थ क्या होता है एक होता है कृतज्ञ एक होता है कृतज्ञ कृतज्ञ मतलब आज्ञा मानने वाला कृतज्ञ मतलब आज्ञा नान मानने वाला तो मतलब जो रबी है वो सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहता है कौसाता है कृतज्ञ रहता है ना कृतज्ञ रहता है उसकी आज्ञा मानता है जो वो कहता है वो वह करता है है ना तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट होगा अगले बढ़ते हैं फिर कह रहा है सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना डैश जो व्यक्तियों से साँच और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है तो अब बताना है यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना क्या देगा आकलन देगा या फिर परिवाद देगा संकेत छड़ देगा अंकेत छड़ देगा या फिर प्रतिवेदन देगा तो क्या देगा जो कि साँच और प्रस्तुत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत किया जब प्रस्तुत करने की बात हो रही है तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा क्या करेगा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तो जो डैश जगह है वहां पर क्या आएगा प्रतिवेदन आने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ठीक है अगर इतना लेवल आपने कर दिया अगर इतना लेवल आप अच्छी प्रकार से समझ गए और इसे एक बार देख लिया एक बार अगर समझ में आया दो बार देख लिया तो मानता हूँ कि इससे बाहर आप अगर आपका आ भी गया इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल धुआं उड़ा के आओगे है ना बढ़ते हैं कैसी डैस है कि निर्धन और धनी निर्बल और सबल युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं कैसी डैस है कि निर्धन और धनी निर्बल और सबल युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं बिल्कुल अब बताएगा यहां पर कौन सा राइट होने वाला है दस सेकेंड आपके पास हैं, पटापट आंसर देते हुए टाइम समाप्त तो हो चुका है तो यहां पर जो हो जाएगा विडंबना हो जाएगी है ना कैसी विडंबना है कैसी विपत्ति की बात होती है जहाँ पर विपत्ति आ चुकी है ना जैसे सुनामी आ गई तो वह विपत्ति आ गई मगर यहाँ पर कोई सुनामी नहीं आ रही है है ना यहाँ पर तो विडंबना हो रही है मन की जो विडम्बना है ना जो मन के अंदर जो भाव होते हैं उनको जो उत, उनकी जो एक प्रकार से होता है ना जो असंतुष्ट जब होता है हमारा मन तो हमारे मन में क्या उठती हैं विडम्बनाएँ उठती हैं तो यहाँ पर विडम्बना की बात हो रही है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है डी है वो वहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाले बढ़ते हैं दुविधा मतलब धर्म संकट में पढ़ना है ना दुविधा में पढ़ना संकट में पढ़ना वेदना की बात हो होती है ना तो ये तो हो ही जाएगा अगले बढ़ते हैं अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माननीय न्यायाधीश ने बाद को है ना माननीय न्यायाधीश ने बाद को खारिज करके एक बाद अर्थ क्या होता है पर्ची होता है ना जिसे अपने याचिका जिसे कहते हैं एक बाद मतलब क्या होता है याचिका होता है याचिका जो जाहिर की जाती है और बादी मतलब क्या होता है याचिका हो या इसे क्या कहते हैं यार जो याचिका दाहिर करता है उसे कहते हैं ना याची कहते हैं इसे क्या कहते हैं याची कहते हैं याद रखना जो बाद मतलब क्या होता है जो याचिका दाहर की जाती है और जो वादी होता है उसे याची कहते हैं जो मतलब दाहिर करता है उसे तो अब बताना है यहाँ पर माननीय न्यायाधीश ने बाद को खारिज कर कर जो याचिका थी उसे खारिज कर कर करते हुए वादी को मतलब याची को कोई डैश नहीं प्रदान किया अब क्या प्रदान नहीं किया वो आपको बताना है अब यहां पर एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बाद है उसे क्या कहते हैं और बादी है उसे क्या कहते हैं तो बाद को याची का कहते हैं और बादी को याची कहते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट कौन डैस नहीं प्रदान किया क्या डैस नहीं प्रदान किया सहायता प्रदान नहीं किया ऐसी कुछ सहायता थोड़ी करेगा आश्वासन देगा अरे यार क्या बात कर रहे हो अब यहां बताइएगा परितोषिक या फिर पर अनुतोष अनु माने पीछे और तोष माने क्या होगा फिर भाई अनु माने पीछे और तोष माने परितोषिक की बात हो रही है यहां पर यहां पर, पर परितोषिक की सॉरी अनुतोष की बात हो रही है तो यहाँ पर बादी का कोई डैस नहीं प्रदान किया मतलब अनुमान पीछे है ना पीछे की बात पर कोई भी फोकस नहीं दिया होगा उसने तो भाई यहाँ पर डी राइट लग रहा है मुझे तो ऑप्शन नंबर डी राइट लग रहा है ठीक है अब ऐसे तो बुक में देखना पड़ेगा इसे तो भाई बुक में देखना पड़ेगा ठीक है देख लेते हैं एक बार रुकीगा थोड़ा सा ठीक है भाई डी ही राइट होगा ठीक है डी ही राइट होगा यहाँ पर अनुतोष ही होने वाला है क्या होने वाला है अनुतोष ही राइट होने वाला है क्योंकि पीछे की बात और यहाँच ही जो होता है वो पीछे दाहिर करता है ना उसके बारे में यहाँ से चले जाना इस प्रकार से ये हो जाएगा राइट अगले बढ़ते हैं कह रहा है पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने है ना पुरातनवादी ध्यान रखना पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को में डाल दिया अब किस में डाल दिया ये आपको बताना है कोई ऐसा फैसला सुनाया होगा उसने पि उसके पिता ने है ना जो वो किस में किस में डाल दिया अब भाई रहस्य में ऐसा कुछ नहीं रहस्य में थोड़ी डालेगा रहस्य तो उसने कुछ दी खोला होगा मगर डाला किस में क्रोध में ऐसा भी कुछ ना उत्सुकता उत्सुकता मतलब उत्सुकता ऐसा कुछ नहीं उत्सुकता थोड़ी हुई इसकी असमंजस में डाल दिया है ना मतलब अचर्य में डाल दिया अचर्य में डाल दिया अचमंजस में डाल दिया यहाँ पर डी राइट होगा ठीक है इजीली था ये तो इजीली था बिल्कुल आराम से बना सकते थे अगले बढ़ते हैं बहुत अनुनय विनय से एक अनुनय और विनय अब यहां पर भी पूछ सकता है ना अनुनय विनय का अर्थ अनुनय विनय के डैस भी उसके पिता ने है ना बहुत अनुनय विनय के डैस भी उसके पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा अनुनय विनय मतलब बहुत कहा सुनी है ना बहुत कहा सुनी अनुनय विनय का अर्थ क्या होता है बहुत कहा सुनी याद ना अनुनय विनय बहुत कहा सुनी अब वो कह रहा है यहाँ पर एक कहना एक सुनना तो अनुनय बिनय है ना बहुत कहा सुनी अब बात करते हैं यहाँ पर डैश भी उससे माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा हो जाएगा बहुत अन्य बिनय के सहारे ऐसा कुछ नहीं अनुनय बिने बहुत कहा सुनी के सहारे थोड़ी कह देगा है ना बहुत कहा सुनी के उपरांत हो सकता है भाई बलबूते अरे बलबूते कैसे हो जाएगा भाई हाँ बलने की बात थोड़ी हो रही है कारण कारण भी नहीं होगा उपरांत ही होगा राइट ठीक है यहाँ पर उपरांत ही, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर बहुत अनुनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उसके कोई संबंध नहीं रखा है ना उपरांत बहुत अच्छा क्वेश्चन था इजीली हमने कर दिया अगले बढ़ते हैं आपका आचरण दूसरों के लिए प्रति डैश हो सकता है आपका आचरण दूसरों के लिए डैश हो सकता है आचरण मतलब क्या होता है चरित्र होता है आपका चरित्र जो है अब आपका चरित्र है जो स्वभाव है आचरण मतलब चरित्र आपका स्वभाव है ना वो दूसरों के लिए डैश हो सकता है क्या हो सकता है आपका चरित्र दूसरों के लिए क्या होगा आपको बताना है बताना है दृष्टांत तो होगा उदाहरण होगा उद्धरण होगा या फिर अनुसरण होगा आप बताइएगा यहां पर अनुकरण होगा आपका चरित्र है दूसरे के लिए क्या होगा भाई उदाहरण दिया जाता है ना उदाहरण दिया जाता है कि आपने कि आ, उस लड़के ने ऐसा किया तू ऐसा मत करना है ना उसका चरित्र ऐसा है तू वैसा रहना तू वैसा मत करना है ना ये कहते ना कहते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा वही उदाहरण हो जाएगा राइट ठीक है इजीली था आराम से बना सकते थे अगले बढ़ते हैं फिर कह रहे लंबे समय में लंबित ध्यान रखना लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमे को डैश के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए पड़े मुकदमों को डैश के लिए न्यायाधीश को विशेष प्रयत्न करना चाहिए अब यहां पर देखना पूरा करनी चाहिए अरबी मुकदमों को पूरा करेगा निभा मुकदमों को निभाया जाता है क्या अब दो आपके पास बच गए इनको बताइएगा सुलझाने या फिर निपटाने अब यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हो गई इन दोनों में है ना अब यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हो गई अब एक सुलझाने की बात हो रही है कोई रस्सी वगैरह है है ना कोई लीड वगैरह है उसे सुलझाओगे क्या अरे यहां पर तो सिर्फ मुकदमे की बात हो रही है मुकदमों को निपटाया जाता है मुकदमों को क्या कहता है मुकदमों को निपटाया जाता है याद रखना ठीक है अगले बढ़ते हैं उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया फटाफट आंसर देते हुए दस सेकंड आपके पास हैं समय समाप्त तो हो चुका है ठीक है तो इसे देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है कह रहा है उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया मतलब यज्ञ की बात हो रही है और डैश संपन्न किया उसने है ना तो यज्ञ यज्ञ कैसे करेगा यज्ञ जो होगी भाई किसी आ, कोई महात्मा जी आए होंगे है ना कोई महात्मा जी आए होंगे उन्होंने न मंत्र वगैरह मंत्र वगैरह पढ़ पढ़ कर है ना उन्होंने क्या किया होगा एक यज्ञ को संपन्न किया होगा मतलब वहाँ पर मंत्रों की बात हो रही है कोई मतलब पहले से जो विधि का विधान चला आ रहा है ना पहले से जो हमारी वो चली आ रही है विधि चली आ रही है तो यथा विधि के अनुसार है ना यथा विधि के अनुसार ही उसने यज्ञ को संपन्न किया होगा ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है बहुत इजीली था आराम से इसे बना सकते थे ठीक है अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह मुझे अपने बड़े भाई डैस मानता है अब बताना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट right. बहुत ईजिली है आराम से बना सकते हो बहुत ही इजीली है आराम से बना सकते हो तो यहाँ पर अपनी बना लिया होगा अब तक है ना तो कह रहा है बह मुझे अपने बड़े भाई है ना बड़े भाई जैसा मानता है कि जैसे मेरा जैसा उसका बड़ा भाई है वैसे ही मुझे मानता है वो है ना जैसा मानता है बिल्कुल सही अगले बढ़ते हैं अगले बढ़ते हैं अभी देखो कुछ लोग होंगे यहाँ पर कहाँ जा सकते हैं दरवाई देखते हैं योग की भांति तरह कुछ लोग योग की तरह जाते होंगे कुछ लोग योग की तरह जाते होंगे कि आ योग भी तो हो सकता है कैसे हो सकता है ध्यान रखिएगा वह मुझे अपने बड़े भाई योग्य मानता है अब योग की बात मतलब ये होती है जैसा उसका बड़ा भाई करता था वैसे ही मैं करता हूँ ऐसा कुछ नहीं जब जैसा बड़ा भाई करता था उसका वैसा थोड़ी करेगा वो है ना तो अपनी मर्जी से करेगा मगर वो जो बंदा है उसे बस अपने बड़े भाई की तरह ही मानता है उसके जैसा मानता है ना बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से कंफ्यूजन आपका दूर हो सकती है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया ठीक है तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आगे बढ़ते हैं आ, सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता प्रारंभ सहकारी सं, सरकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता डैश प्रारंभ कर सकती है अब यहाँ पर बताइएगा कौन सा जाएगा राइट दस सेकेंड आपके पास है अब तक बना दिया होगा ना अब तक आपने बना दिया होगा तो कह रहा है सरकारी संस्था शीघ्र ही सहायता आंदोलन प्रारंभ करना चाहती प्रारंभ कर रही है अभी आंदोलन थोड़ी करेगी यार सरकारी संस्था है वो क्यों आंदोलन करेगी है ना सरकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता भर्ती प्रारंभ कर रही है अरे भर्ती प्रारंभ करती भर्ती निकाली जाती है भाई है ना अगले बढ़ते हैं आ, सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता उपक्रम प्रारंभ करेगी अरे ये क्या दे रखा है ना कार्यक्रम निकालती हैं जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं कार्यक्रम चलाती हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर राइट होगा इजीली था आराम से बना सकते थे उसने अपना पक्ष पक्ष सिद्ध किया है ना पक्ष मतलब क्या होता है उसके तरफ का पक्ष जो होता है सिद्धांक उसने डैश अपना पक्ष सिद्ध किया अब यहाँ बताइएगा अपना जो पक्ष है वो कहाँ रख रहा है याद रखना अपना जो पक्ष है पहले वो कहाँ रख रहा है न्यायालय में रख रहा है कहाँ रख रहा है न्यायालय में इसमें रख रहा है कि वो पक्ष कहाँ रखा जाता है किसी पंचायत के यहाँ पर है ना जहाँ पर पंचायत मतलब कोई फैसला सुनाती है या फिर कोई न्यायालय होती है है ना तो वहाँ पर या कोर्ट वगैरह में ये चीज़ होती है ठीक है तो बताइए तो अब तो आपने निकाल दिया होगा देखते ही निकाल दिया होगा ना मैंने इतनी बात कह दी तो देखते ही निकाल दिया होगा विधि पूर्वक क्योंकि न्यायालय में भी जो है, होती हैं कुछ विधि होती हैं कुछ कानून बने होते हैं उनके समक्ष ही उनको पूरा करने के बाद ही अपना पक्ष रख सकते हो ठीक है तो उन पूर्वक मतलब मैं शपथ लेता हूँ है ना ये सारे के सारे होते ना होते हैं तो इस प्रकार से अगले बढ़ते हैं विधि विधि पूर्वक जैसी विधि थी उस प्रकार से सारा के सारा करके उन्होंने अपना पक्ष रखा ठीक है अगले बढ़ते हैं जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी बताइएगा फटाफट दस सेकंड आपके पास जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी दस सेकंड आपके पास है फटाफट आंसर निकालिएगा इस समय टाइम हो चुका है पूरा तो हम देखते हैं फटाफट कह रहा है जैसे जैसे अंधेरा निकलता गया ऐसा कुछ नहीं जब निकलता गया तो हम आगे बढ़ेंगे कुछ समय के रुक जाएंगे है ना अगले बढ़ते हैं फिर कह रहा है चढ़ता गया अरे चढ़ता है अंधेरा चढ़ता है कभी नहीं चढ़ता है अंधेरा आता गया या फिर अंधेरा फैलता गया अब बताएगा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो अब यहाँ पर शाम की बात हो रही है अंधेरा आता है या फिर फैलता है अब आपको बताना है अंधेरा आता नहीं है अंधेरा आता नहीं है जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया है ना जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया वैसे वैसे हमें आगे कठिनाइयाँ होती गईं। मतलब आगे जब हम देखेंगे तो कठिनाइयाँ हो रही अगर आगे वह नहीं फैलता अगर वह नहीं फैलता तो हम आराम से बढ़ सकते थे है ना जैसे वो आता वैसे ही चला जाता है ना बिल्कुल सही अगले बढ़ते हैं अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे अता नम्र डैसे है कि हमें एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए अब बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है बहुत इजीली क्वेश्चन है बहुत ही इजीली क्वेश्चन है आराम से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं ना बिल्कुल अता क्या चीज है आपको बताना है ठीक है तो बिल्कुल दस सेकंड आपके पास हैं फटाफट आंसर दीजिएगा ठीक है जी हाँ तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा दस सेकेंड हो चुके हैं ठीक है दस सेकेंड हो चुके हैं एक विनय की बात होती है एक जैसे आपको बताया था ना कि नम्र विनय आग्रह है ना इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या है आग्रह की बात हो रही है यहाँ पर आवेदन की बात हो रही है यहाँ पर निवेदन की बात हो रही वो अंता नम्र क्या करेगा आवेदन तो करेगा नहीं है ना आवेदन थोड़ी करेगा किसी को भेजेगा थोड़ी ना फिर आग्रह करेगा कि मेरे ये कर दो वो कर दो है ना ये भी नहीं करेगा वो निवेदन करेगा विनती ही करेगा है ना आग्रह मतलब क्या होता है उनसे कहने की बात होती है आग्रह है ना तो यहाँ पर जो हो जाएगा निवेदन हो जाएगा है ना हम अतः नम्र निवेदन करते हैं क्या करते हैं नम्र निवेदन करते हैं आपने जो पत्र के लिखे होंगे तो बिल्कुल आराम से निकाल दिया होगा ठीक है अगले बढ़ते हैं आड़विक पट्टियाँ समिति शक्ति का डैश है क्या चीज है आपको बताना ठीक है आड़बिक कठिनाइया समिति शक्ति का डैस है क्या है साधन है स्त्रोत है उपकरण है या फिर माध्यम है तो यहां पर कौन सा राइट होगा दस सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वैंक दो हजार दो में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल तो फटाफट आंसर देते हुए टाइम समाप्त तो हो चुका है देखो अगर हम बात करते हैं आड़विक भट्टियाँ जो आड़बिक भट्टियाँ होती हैं ना आस्मित शक्ति का जो आस्मित शक्ति उसकी होती है आर्द्रिक भट्टियों की उसका डैश होता है क्या होता है आपको पता है जहाँ पर आर्द्रिक भट्टियाँ होती हैं वहाँ से जो शक्ति होती है हमारी ना जो हमारी आस्मित शक्ति जो होती है वो क्या होता है उसका स्त्रोत होता है स्त्रोत मतलब क्या होता है यहाँ से सारी तरफ को क्या है उस शक्ति का आदान प्रदान मतलब उस शक्ति को भेजना है ना उस शक्ति को भेजना मतलब क्या होता है उसका एक स्त्रोत है ये क्या है एक स्त्रोत है शक्ति का क्या है एक स्त्रोत है इसके माध्यम से बनाई जाती है और जगह भी जगह क्या है सप्लाई की जाती है तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा कि स्त्रोत है ये क्या है कि स्त्रोत है यहाँ से बनाकर हर जगह इसका वितरण किया जाता है ना हर जगह इसका भेजा जाता है अगले बढ़ते हैं सब पुस्तकें डैश बिखरी पड़ी हैं बिखरी पड़ी थी सॉरी ठीक है तो इसका फटाफट आंसर दे यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा सब पुस्तकें डैश बिखरी पड़ी थीं तो आपको पता है ना यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी इधर उधर है ना इधर उधर यत्र माने इधर तत्र माने उधर ठीक है तो इधर उधर बिखरी पड़ी थी बहुत ही जीता था आराम से देख कर ही बना सकते थे इधर तो ठीक है अगले पढ़ते हैं बड़े उद्योगों में सफलता डैश हमें छोटे स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है जो बड़े उद्देश्य जो हमारे होते हैं ना उद्योग नहीं होगा उस उद्देश्यों ठीक है बड़े उद्देश्यों में सफलता जो हमारे बड़े उद्देश्य हैं हमारा लक्ष्य है जॉब पाना आना तो बड़े उद्देश्य हैं तो बड़े उद्देश्यों में सफलता डैसे हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट दस सेकेंड से आपके पास हैं उड़ा दो फटाफट है ना दस सेकेंड आपके पास हैं उड़ा दो फटाफट इसके लिए तो अब हम देख लेते हैं सर ठीक है आपने पढ़ भी लिया होगा लगता है आपने निकाल भी दिया होगा ठीक है अगले बढ़ते हैं कह रहा है यहाँ पर बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें कारण हमें लिए हमें या खातिर हमें तो खातिर कैसे कह सकते हैं भाई बड़े उद्देश्यों में सफलता खातिर और सिर्फ सफलता के खातिर करते है? <ख़ते> हैं नहीं सफलता हेतु करते हैं कि सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है है ना सफलता हेतु मतलब सफलता के लिए ही छोड़ते हैं ये नहीं सफलता खातिर सफलता हेतु छोड़ते हैं मतलब हमारा लक्ष्य ही है सफलता सफलता खातिर नहीं है कि हमारा लक्ष्य अदर भी अदर भी कुछ है अदर भी कुछ की ओर ले जाता है खातिर तो ठीक है तो इसलिए हेतु की ओर जाएंगे अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो कह रहा है उसने आगंतुकों की सहायता को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका डैस किया क्या किया आपको बताना देखो बिल्कुल इजीली है बिल्कुल इजीली है अगर आप आराम से पढ़ोगे ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से निकाल दोगे उसने आगंतु को उसने आगुंत को है ना ध्यान ना को मतलब कोई आया होगा उसके यहाँ पर आगंतुकों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना समस्याओं को उसने ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका क्या करेगा समाधान ही तो करेगा जब समस्याएं सुनेगा तो उसका विश्लेषण तो करेगा नहीं खोलेगा तो नहीं कि तुमने कैसे कैसे किया ऐसे ऐसे किया होगा ऐसे ऐसे किया होगा है ना वो तो सुनाने खुद आए हैं तो समाधान कौन करेगा वो तो क्या करेगा समाधान तो करेगा है ना बिल्कुल अगले बढ़ते हैं फिर ना समर्थन करेगा ना अन्वेषण करेगा है ना अगले बढ़ते हैं कह रहा है कहते हैं उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमत में डैस आती है क्या आती है कमी आती है अवरोहड़ आता है बढ़ोतरी आती है या शिथिलता आती है बताइएगा हजार बार पड़ा होगा हजार बार पड़ा होगा इसके लिए तो यहां पर क्या आती है कमी आती है, है ना हजार बार पड़ा होगा इसे है ना बिल्कुल सही बहुत ही इजीली था ये तो बहुत ही इजीली था इसलिए जल्दी ही बता दिया आपको ठीक है अगले बढ़ते हैं कह रहा है विधि का यही डैश है कि जो जन्मा है उसको मृत्यु अवश्य होगी है ना उसकी मृत्यु अवश्य होगी तो यहां पर कौन सा राइट होगा देख लेते हैं ठीक है आप बनाइएगा हम भी बनाते हैं विधि का यही डैश है बिल्कुल ये तुमने तो पढ़ा भी है ये तुमने तो क्या है सुना भी होगा भाई ये तो सुना भी होगा विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी है ना तो बिल्कुल सही विधि का यही विधान है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट होने वाला है अगले बढ़ते हैं कह रहा है श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डैश कवि ने अपनी इस कविता में किया है अब क्या किया है आपको बताना है कविता में चिंतन किया होगा बिल्कुल नहीं कविता में मनन किया होगा बिल्कुल नहीं कविता में ध्यान किया होगा बिल्कुल नहीं कविता में उनके चरित्र का उनके गुणों का वर्णन किया होगा ठीक है तो बिल्कुल इजीली था आराम से निकाल सकते थे अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट पड़ा, आंसर दीजिएगा कह रहा है स्वयं सेवक ने डैश व्रत रखा स्वयं सेवकों ने डैश व्रत रखा आपात व्रत रखेगा ये तो आप भी काट दिया होगा आपने भी है ना आजन्म व्रत रखेगा ये भी आपने काट दिया होगा अब यहां पर दो बचते हैं यहां पर दो बचते हैं इन्हें बताइएगा एक तो हो गया आमरण मतलब मरण तक मरण तक अरे मरने तक की बात कहां हो रही है भाई आजीवन मतलब जीवन भर की बात होती है मरण तक कि बात तो ही कहाँ होती है ना मर गए तो बात ही क्या हुई है ना आजीवन मतलब जब 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 तक जीवन है जब तक जीवन है स्वयं सेवकों ने व्रत रखा है ना जब तक उनका जीवन है तब तक व्रत रखा है ये नहीं आ मरण मरने तक रखा है अरे मरने तक क्या कह रहा भाई जीवन की बात करो मरने की बात तो पहले ही उन्होंने कर दी तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना आगे बढ़ते हैं मुझे आपके कहने मुझे आपके कहने के डैस चलने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है हेतु चलने में कोई आपत्ति नहीं है समान चलने में कोई आपत्ति नहीं है पैर चलने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है बिल्कुल इजीली था आराम से निकाल सकते थे अगले बढ़ते हैं वस्तुता डैश मनुष्य बही है जो मनुष्यता का आदर करता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी इसका आप निकालिएगा दस सेकंड आपको दी जा रहे हैं फटाफट जलने की बू आ रही है ना बिल्कुल बताएगा भाई कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है बिल्कुल बताइएगा फटाफट कौन सा हो जाएगा राइट यहां पर देखते हैं ठीक है देखते हैं यहां पर कौन सा राइट होगा कह रहा है वस्तुता डैश मनुष्य बही है जो मानवता का आदर करे अब जो मानवता आदर की बात हो रही है आदर की बात हो रही है ध्यान रखना यहाँ पर आदर कौन करेगा मानवता का आदर कौन करेगा संपूर्ण करेगा चरित्रबान पड़ेगा या फिर आपका यथार्थ करेगा अरे यहाँ पर सच्चा जो मनुष्य होगा वही आदर करेगा जो सच्चा मनुष्य होगा जो सच्चा मनुष्य होगा वही आदर करेगा बहुत ही ईजिली था आराम से आप निकाल सकते थे अगले बढ़ते हैं कह रहा है धैर्यवान व्यक्ति धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है डैस नहीं होता है क्या नहीं होता है देखो यहाँ पर धैर्यवान की बात हो है जो धैर्य रखेगा है ना जो धैर्य रखेगा व्यक्ति विपत्ति में भी व्यक्ति विपत्ति में भी क्या होगा अधीर होगा दुखी होगा चलायमान होगा विचलित तो होगा विचलित नहीं होगा है ना विचलित नहीं होगा जब वो धैर्यवान व्यक्ति है तो विचलित क्यों होगा है ना तो विचलित क्यों होगा तो यही यहां पर भरना था धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है तो बिल्कुल इजीली था आराम से दे सकते थे अगले बढ़ते हैं अतिथि ने भोजन करने की डैश व्यक्ति की आकांक्षा इच्छा उत्कंठा या फिर कामना की क्या की अतिथि ने भोजन करने की उसकी इच्छा हुई होगी है ना कि मुझे भूख लग रही है मुझे भी भोजन दे दो है ना तो बिल्कुल इसकी इच्छा हुई तो उसने भाई कह दिया है ना अगले बढ़ते हैं फिर अगले बढ़ते हैं कह रहा है संविधान में हिंदी को डैस कहा जाता है तो ये तो ईजीली है ये तो ईजीली है हमने अपने हजार बार पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को तो है ना इसे हजार बार पढ़ रखा है कि एक राज्य भाषा थी ये है, है ना अगले बढ़ते हैं फिर अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा न्यायालय ने अपराधी को अपराधी की मुक्ति का डैस दिया क्या दिया अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया निर्देश दिया निर्देश देखो निर्देश दे रखा है वैसे ही गलत है ना निर्देश दी तो बात ही लगी थी यहां पर निर्देश दिया निर्णय दिया मुक्ति की बात हो रही मुक्ति का आदेश देगा न्यायालय क्या करेगा आदेश देता है सिर्फ है ना निर्देश नहीं देता है वो डायरेक्ट आदेश देता है कि भाई ये कीजिएगा आप है ना जो नीचे वाले अधिकारी होते हैं उनसे कहता है ये कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ ठीक अगले है अगले बढ़ते हैं नाइन्टी फाइव कह रहे डैस पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है अनुशासन पूर्ण व्यवहार प्रशासन पूर्ण व्यवहार व्यवस्था पूर्ण व्यवहार या फिर आ क्या है परंपरा पूर्ण व्यवहार अब परंपरा की बात हो रही है तो परंपरा थोड़ी निभा रहे हैं यहाँ पर हम समाज में ना व्यवस्था निभा रहे हैं ना प्रशासन निभा रहे हैं समाज प्रशासन थोड़ी हो गया पूरा है ना तो यहाँ पर अनुशासन की बात होगी जो समाज की बात होगी वो अनुशासन की बात होगी है ना तो यहाँ पर अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है ये एक दूसरे झगड़ते रहते हैं कभी अनुशासन में नहीं रहते हैं जैसे कि हमारे देख रहे हैं इसमें राजनीति क्या हो रही है वहां पर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं यहाँ पर राजनीति हो रही है एक वो कह रहा है वो ये कह रहा है देश की किसी को चिंता नहीं है बस अपने मतलब से मतलब कुछ नहीं हो तुम मेरा अपमान मत करो है ना तुम मेरा अपमान मत करो मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइएगा यहां पर क्या होगा तुम मुझे अपमान मत करो अपमान की बात हो रही देखो तुम मुझे अपमान मत करो मुझे स्वयं स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है तो भाई अपने कर्मों पर क्या होता होगा प्रताप परितोष परिपात परिपाक या फिर परिताप तो भाई परिताप होगा यहां पर राइट ठीक है डी यहां पर राइट हो जाएगा परी प्लस क्या हो जाएगा ताप हो जाएगा है ना परी प्लस क्या हो जाएगा ताप हो जाएगा मुझे अपने कर्मों पर पछतापा हो रहा है तुम अपमान मत करो मुझे अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है परिपात हो रहा है परिताप होगा परिपात नहीं होगा परिताप होगा ताप की बात होगी ना यहाँ पर तो क्योंकि वो तप रहा है है ना अग्नि में तप रहा है तो क्योंकि वो पश्चापा कर रहा है तो यहाँ पर जो होगा वो परिताप होगा राइट ठीक है अगले बढ़ते हैं कह रहा है मैंने इस वाक्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि मुझे बाद में कोई अड़चन ना हो बताएगा यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है स्पष्ट कर लिया है अरे स्पष्ट थोड़ी करेगा अधिकारियों के जाके स्पष्ट करेगा कुछ लिखवा कर लेके आएगा यार कुछ लिखवा कर लेके आएगा वरना कोई दूसरा परेशान करेगा फिर है ना तो निहित भी ना होगा वास्तविक कर ली बातचीत कर ली अरे बातचीत में क्या होगा वो तो मुकर जाएगा है ना वो तो मुकर जाएगा जब तेरे पास कुछ नहीं मिलेगा तो होगा क्या होगा होगा मतलब उसके पास से मिलकर आया और कुछ लेकर आया होगा तो क्या करके आया होगा वांछित होकर आया होगा ठीक है तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट होने वाला है अगले बढ़ते हैं फिर कह रहा है वर्तमान वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता क्रियाकलाप तो का अब क्रियाकलाप दिखा रहे हैं यहाँ पर बताइए यहाँ पर कौन सा राइट होगा क्षेत्रों का उनके क्षेत्र गिने जा रहे हैं घटनाएं को नहीं जा रही उनकी घटनाएं ये भी नहीं होगा भाई यहाँ पर संदर्भ होगा वर्तमान संदर्भ में है ना वर्तमान संदर्भ कहते हैं ना वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हो रहा है यहाँ पर क्रियाकलाप थोड़ी हो रहे हैं ना उनके क्षेत्र गिने जा रहे हैं है ना बन का महा तो बताया जा रहा है अगले बढ़ते हैं राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में दस रुपए के लिए डैश जमा दस वर्ष सॉरी दस वर्ष के लिए डैश जमा खाता खुलवाया अनुवर्ती खाता संवर्ती खाता प्रत्यावर्ती खाता आवर्ती खाता ठीक है ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर राइट होगा इजीली था ये तो आराम से बना सकते थे क्योंकि एक ही दे रखा था बाकी सब कंफ्यूज होने वाले थे अगले बढ़ते हैं कह रहा है कौन व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से डैस है बहुत ही इजीली क्वेश्चन है भाई बहुत ही इजीली क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं आप ठीक है बहुत ही सॉरी बहुत ही इजीली क्वेश्चन है आराम से आप कर सकते हैं ठीक है थीके? देखो एक होता है अभिज्ञ और एक होता है अनभिज्ञ अभिज्ञ मतलब होता है मानने वाला अनभिज्ञ सॉरी जानने वाला और अनभिज्ञ क्या होता है ना जानने वाला अभिज्ञ मतलब क्या होता है जानने वाला अनभिज्ञ मतलब क्या होता है ना जानने वाला एक अज्ञात दे रखा है मतलब अज्ञात है ना जो कोई जिसे हम जानते नहीं हैं जिसे हम नहीं जानते हैं वो अज्ञात है अवगत मतलब अब प्लस गत मतलब अब प्लस गत है ना अब अवगत एक होता है आगत मतलब आने वाला अवगत मतलब जाने वाला तो यहां पर भी नहीं होगा है ना तो यहां पर जो हो जाएगा अनभिज्ञ मतलब ना जानने वाला यहां पर राइट होगा कोई व्यक्ति किसी कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है ना तो अनभिज्ञ हो जाएगा यहाँ पर राइट अगले बढ़ते हैं हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से डैस हुआ करता है हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से डैस हुआ करता है प्रकाशित तो होगा है ना मुखमंडल से प्रकाशित तो होगा अदरवाइज कुछ हो नहीं सकता है ना नहीं होगा परिमित भी ना होगा विकसित भी नहीं होगा प्रकाशित ही होगा अदरवाई क्या होगा इसमें अंदर कुछ नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डैश से किस प्रकार गौड़ नहीं होता है यहाँ बताइए कौन सा राइट हो जाएगा किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डैश से किसी प्रकार गौण नहीं होता है किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से कौन सा है कथ्य से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता है तो यहाँ पर जो कथ्य होगा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक है जो यहाँ पर कथ्य होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा समाज के जाति और धर्म के खेमों में बटने बटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग गए हैं अब ये तो बिल्कुल इजीली है ना प्रश्न चिन्ह लग गए हैं प्रश्न पूछे जाएंगे फिर उनसे है ना तो बिल्कुल इजीली है जाति और धर्म के खेमों के बटन बट गया है धात जाति धर्म तो क्या होगा भाई गंभीर प्रश्न पूछे जाएंगे फिर तो भाई तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्यों दो देश क्यों दो धर्म अलग अलग हो गए इनमें क्यों बंटवारा हुआ क्यों लड़ाई हुई है ना तो ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे फिर अगले बढ़ते हैं कह रहा है देव देव दंत के बाण से देव दंत के बाण से डैश पक्षी को उठाकर सिद्धांत से उसके सेवा सुश्रूषा करने लगे अब बताएगा देव दत्त के बाण से अब उसके क्या हुआ गा? चोट लगी होगी आहत हुआ होगा है ना आहत हुआ होगा तो बिल्कुल जब चोट लगेगी तो आहत हुआ होगा ना आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा सुसूर करने लगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर राइट होगा अगले बढ़ते हैं क्या रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है उपलब्धता को उत्पादकता ही तो नष्ट होगी मिट्टी की उत्पादकता नष्ट होगी भाई ऑप्शन नंबर जो बी राइट होगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है उत्पादकता क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी अगले बढ़ते हैं कह रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए डैश के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्प मालाएं लिए थे अब बताइएगा यहां पर कौन सा राइट होगा बीची बापी विधा या फिर बि, बिथी बिथी लग रहा है मेरे को तो देखते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बिथी के दोनों हाथ बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल राइट होगा बिची नहीं कहेंगे बिची के दोनों हाथ ऐसा कुछ नहीं बिथी के दोनों हाथ पर से ही एक मैच हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है देख भी लेते हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट होगा ठीक है अगले बढ़ते हैं फिर कह रहा है व्यक्ति की किंकृत किंकृत बिवमुंड बना देती है क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट व्यक्ति को अब भाई ये क्या बनाएगी दुविधा बनाएगी ये क्या बनाएगी दुविधा बनाएगी पहले ही ऑप्शन में दे रखा है तो निकाल दिया होगा आपने दुविधा व्यक्ति की व्यक्ति को यही बना देती है ना किंकर्त आ, किंकर्त बेबिमुड है ना बेमुड बेबीमुड़ बे बना देती है किंकृत बेबिमुड़ बना देती है अगले बढ़ते हैं कह रहा है देशभक्ति के लिए विदेशी शासक के अन्याय का कोई भी रूप डैश था देशभक्ति के लिए विदेशी शासक के अन्याय का कोई भी रूप असहर था है ना बिल्कुल कोई भी रूप असह था तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा अगले बढ़ते हैं फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन को थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं टाइम बहुत हो जाएगा कह रहा है व्यंग्य लेखक सामाजिक राइट होने वाला है देखिएगा फटाफट टाइम समाप्त तो हो चुका है तो यहां पर कह रहा है व्यंग्य लेखक जो व्यंग्य लेखक है व्यंग्य लेखक सामाजिक द्रुपता है ना विद्रुपता पर तीखा प्रभार पड़ता है है ना विद्रुपता पर तीखा प्रभार प्रहार करता है अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वभाव के स्वभाव से तुल्य स्वभाव से तुल्य मनुष्य जमाने में छल प्रपंच छल प्रपंच के आप देखो कपट को उन्होंने उन्हें प्रपंच कर दिया है ना तो ये पूछ सकता है कि प्रपंच कैसे कहते हैं तो कपट को कहते हैं ना छल प्रपंच के डैश होकर अपना देखत देवत्व खो बैठता है तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा स्वभाव के देवतुल्य मनुष्य जमाने में छल प्रपंच के छल प्रपंच के डैश होकर अपना देवत्व खो बैठता है छल प्रपंच के बसी भूत होकर है ना बसीभूत होकर अपना देवत्व खो बैठता है तो बिल्कुल इजीली था ही तो बना सकते थे अगले बढ़ते हैं देशवासियों में परस्पर पर डैस होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है अब देखिएगा देशवासियों के परस्पर सहयोग होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है शर्त कैसे होगी जब सहयोग हुआ तो शर्त कोहानुभूति होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है तो शर्त थोड़ी होगी यहां पर फिर सद्भाव होना देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना यहाँ पर भाव की बात हो रही है अब देखिएगा सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है ये राइट हो सकता है संबंध होना संबंध होना कोई शर्त थोड़ी होगी फिर फिर शर्त थोड़ी बना सकते हैं इसके लिए है ना तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं अगले कह रामचरित मानस के डैश महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं हुआ अब यहां कौन सा होगा राइट अनुवाद विख्यात रचयिता या फिर लेखक निकाल दिया होगा ना रामचरित मानस के रचयिता महात्मा तुलसीदास के समान हो गया ना बिल्कुल महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग के अन्य कोई पुरुष नहीं है अगले बढ़ते हैं तीन चार क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लेते हैं तो ये कह रहा है एक ना एक है ना एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है इस बात में कोई डैस नहीं है भ्रम नहीं है दुविधा नहीं है असत्य नहीं है संदेह नहीं है निकाल दिया होगा आपने है ना संदेह नहीं है एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है इस बात में कोई संदेह नहीं है अगले बढ़ते हैं अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में ठीक है देखो नेक्स्ट टाइप यहाँ से स्टार्ट हो गया है इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे रिस्तान भरिएगा उसके बाद दे दिएगा नीचे यदि चादर के बाहर डैश परास पसारोगे तो पछताओगे टांग पसारोगे बाजू पसारोगे हाथ पसारोगे या फिर पैर पसारोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट है ये कहावत है आपकी है ना अगले बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति सही कीजिएगा हाँ ठीक है बताइएगा चमड़ी जाए पर ये तो बहुत ईजीली है ना दमड़ी जाए अगले बढ़ते हैं बहुत ईजीली था तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होता है ना वो यहाँ पर ख़त्म होता है तो हमने सारा के सारा डिस्कस कर लिया वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाएगा क्योंकि हम आपके लिए पूरी लूसेंट कवर करवा रहे हैं ना पूरी लूसेंट का एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूसेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है आपके एग्ज़ाम में देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन आपके गुझे गए हैं है ना आए हैं उनको उठा के देखेगा प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखेगा सारे के सारे लूसेंट से हैं अब आपने लूसेंट पूरा कवर कर लिया तो कहाँ से पूछेगा आएगा तो लूस्रेंड से ही है ना तो हम जब पहले से ही कवर करे हुए होंगे तो हर क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे है ना जो आपकी संधि थी अव्यय थे संज्ञा से अव्यय तक वो भी डिस्कस कर लिए समास भी डिस्कस कर लिए तत्सम तत्व कितने प्रकार से पूछाते हैं विलोम शब्द से भी पूछाते हैं तो वो भी डिस्कस कर लिए विलोम शब्द भी डिस्कस कर लिए अब हमारा जो हो जाएगा रिक्त स्थान भी हमने डिस्कस कर लिए अब जो हमारा नेक्स्ट टेप टॉपिक होगा कल वाला वो हमारा हो जाएगा बाघ के भेद बाक के भेद देखेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर जो चौदमा चैप्टर हमारा उसको भी हम कल क्लोज कर देंगे ठीक है तो फ्रेंड्स कल हम दो चैप्टर को लेकर आएंगे सौ प्लस क्वेश्चनों के साथ ठीक है तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत